ये लो खाओ। माया मैं जा रहा हूँ। अरे वाह कितने हैंडसम लग रहे हो। यार वो मैंने च्युइंगम रखी थी ना कहाँ पे है? लगता है आज पार्टी में चीयरलीडर्स भी आने वाली है। चीयरलीडर्स? किसने कहा? आगे तो करिश्मा हो जाएगा। अच्छा तो ये लाल भड़कीली टाई, कंघी किए बाल, बाल्टी भर सेंट, किस खुशी में? क्या पता करिश्मा हो जाए। बोलो, मैंने जीतो से 4 कुकड़, 18 तंदूरी रोटियां, 2 बिरयानी और 2 रायते मंगवा लिए। इतनी बेवकूफी किस खुशी में? अरे ताकि हम आराम से बैठ के टीवी पे फुटबॉल मैच देख सके। याद है ना हमारा प्लान? सुनो दरअसल मैं क्या, मुझे मैच कवर करने जाना है। लेकिन दिल्ली में तो आज कोई क्रिकेट मैच आई नहीं। चेस, चेस की रिपोर्टिंग करनी है। चेस की रिपोर्टिंग भी करता? हाँ, तूने सुनी नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे सफेद स्क्वायर भी हैं और काले स्क्वायर भी। थोड़ी बोरिंग है पर है, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। चल कोई बात नहीं, फुटबॉल मैच अगले हफ्ते देख लेंगे। पक्का अगले हफ्ते? हाँ मैं सारे कुकड़ बचा के रखूंगा। ठीक है चल मैं चलता हुआ। सुमित तुम्हारी च्युइंगम मिल गई। थैंक गॉड। भैया को भी पार्टी में ले जा सकते थे ना? यार तुमने उसे इन पार्टीज में देखा नहीं है, अगर गलती से भी कोई चीयर लीडर आस पास भटक भी गई ना तो उसे पुलिस के किस्से सुना सुना के भगा देगा। आज शहर में 40 खून और 6 डबल मर्डर हुए। अरे आप कहाँ भाग रही हैं? रेडी फॉर द पार्टी? रेडी। हम भी पार्टी करेंगे है ना अभी आलिया? चलो सुमित सो गए हो क्या? नहीं। क्या बात है? आज ये मेहरबानी कैसे? बुक बहुत बोरिंग थी। रोज यही पढ़ा करो। अबे बोलू बोलू। यार ये सपना तो और भी भयानक होता जा रहा है। अबे जल्दी से उठ। हम उठे हुए पापा जी, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आ गया हूँ। अबे बोलू जल्दी कर, सोनू है ना अस्पताल में है। क्या हुआ? पता नहीं वो ड्यूटी पर था, कुछ हो गया। जल्दी कर, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है यार। चल जल्दी चल। सोनू ओए मेरा बच्चा, क्या हो गया? वालिया खानदान के चिराग, कैसा है तू? अच्छा बाबा जी। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो लग रहा है। हाँ वो बस थोड़ी सी चोट आई है। भैया हम तो बहुत ही घबरा गए थे। क्या हुआ, गोली लगी? नहीं, किसी ने रामपुरी चाकू मारा। अरे नहीं पापा जी। तो ये हाल कैसे हो गया? मम्मी जी जान के क्या करेंगी? बदला लूंगी। आंटी जी मैं आपको बताता हूँ, नोएडा के पास एक गैर कानूनी तबेला था और हमें वहाँ जांच पड़ताल के लिए भेजा गया था। मतलब तुम लोग वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी करने गए थे? और हम जब वहाँ पर पहुंचे तो सारे के सारे तबेले वाले भाग गए थे, और तो और उन्होंने सारे जानवरों को खुला छोड़ दिया था। आगे मैं बताऊंगा। बाबी जी जब हम वहां पहुंचे ना तो सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे, तुगड़ुक तुगड़ुक तगड़ तगड़ तिगड़ी 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 तिगड़ी। गाय भैंस बैल चारों तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल। और मम्मी जी तभी वहां से दूर से एक आवाज आई, बम बबम बबम। हमने मुड़ के देखा तो वो खड़ा था। कौन? कौन? सांड पापा जी। सांड? तू आईने में तो नहीं देख रहा था? वो मेरी तरफ देख रहा था, वो अपनी सींग से मुझे मारने की तैयारी करता था, वो मुझे मार ही देता, लेकिन सर ने बाहर दिखाते हुए मुझे बचा लिया। ओ, तुझे बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी? बहादुरी दिखाने के लिए तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था? मम्मी जी आगे सुनो ना,
मैंने उस तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, ए सांड रुक। सांड रुक गया, वो घूमा और मेरी ओर आने लगा। हे भगवान, उसकी नजर मेरी तरफ टिकी हुई थी और उसने अपने सींग नीचे किए और मेरी तरफ आता रहा, आता रहा, आता रहा, और तू बच गया। मम्मी जी, हम कहाँ हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बच गया। सोनू, सोनू, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ? पूछे बाबा जी। अब जब सांड तेरी तरफ आ रहा था तो तू भागा क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन पापा जी। मैं भागा पापा जी, पर वो सांड मुझसे तेज भागा और पीछे से उसने अपना सींग मुझे मारा और मैं हवा में 10 फीट उछलकर जमीन पर गिरा। धाम। ग्वालियाओ, गिव हिम द बिग हैंड। कैसी बहादुरी, कैसी निडरता, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा खून है। बाप शेर तो बेटा जूनियर शेर। मैं तो कहती हूं इसे मेडल मिलना चाहिए, जाके ना मोहल्ले में बात छेड़ू। नहीं डॉली, मेरे बेटे ने सांड से टक्कर ली है, मेडल से काम नहीं चलेगा, इसका तो मैं पार्क में बुत बनवाऊंगा। पापा जी, मम्मी जी, अब इस सब की क्या जरूरत है? लेकिन भैया, आपको चोट लगी कहाँ? वो कहाँ? वो मेरे ग्लूटस में पापा जी। बेटा डिटेल में बता, मीडिया को भी बताना है। वो मेरे कहाँ, तेरे कहाँ? मेरे जान के ऊपरी वाले हिस्से में पापा जी। जान के ऊपरी वाले? अबे डॉली, अबे इसको तो वहां, वहां कहाँ, क्या कहते हैं उसको? वो उसने तुझे पिछवाड़े पर मारा। हाँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूं यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए कहती थी पुलिस में भर्ती मत हो, मुझे पता था एक दिन यही होना है। मम्मी जी, आपको पता था कि एक दिन सांड इसको मारेगा पिछवाड़े पे? जान के ऊपरी वाले हिस्से पे, समझा? बेटा उसे पिछवाड़ा ही कहते हैं। पुलिस भी कमाल है, बिना सुरक्षा कवच पहने ही भेज दिया। मम्मी जी, उस जगह के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। मैं तो कहता हूँ आज से ना तू डबल अंडरवेयर पहनना शुरू कर दे। सर जी, सिस्टर जी आ रही हैं। मिस्टर वालिया, सिस्टर भी बुला ली। पापा जी, आईवी चेक करना है। जी। तुमने तो आज हद ही कर दी, ऐसे मौके पे उल्टा सीधा मजाक कर रहे हो। हाँ, वो तो सिर्फ पापा जी का काम है ना। अच्छा ठीक है, मैं नहीं मजाक उड़ाऊंगा। आप बहुत लकी हो, पीछे की चोटें ज्यादा गहरी नहीं होती। मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी कहा वो सिस्टर ने कहा। सिस्टर, मैं बहुत थक गया हूं। पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। हाँ चलो पापा जी, घर चलते हैं। हाँ चल डॉली, वो भूत बनाने के लिए ना चंदा भी इकट्ठा करना है ना। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। अच्छा बेटा, हरामखोर सांड ने ऐसी जगह मारा है कि परिवार देख भी नहीं सकता। सर जी, अच्छा मैं भी चलता हूँ, आइंदा से ऐसा फालतू काम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं लूंगा। फालतू काम मतलब? सर जी का आपके साथ फुटबॉल देखने का प्लान था, आप तो बिजी थे, तो सर जी ने एक्स्ट्रा शिफ्ट ले ली और नतीजा आपके सामने। भैया हम भी निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू माया। बाय सोनू। बाय। सब मेरी गलती है। क्या हुआ? मुझे ना रजनीश को पार्टी के लिए ले जाना चाहिए था, अब जिंदगी भर आंखों के सामने एक ही तस्वीर घूमेगी, रजनीश का पिछवाड़ा।
चलो। अच्छा अब आप लेट सकते हैं। पर ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। नर्स, नर्स, नर्स। कैसा है भाई? तफ्तीश कर रहा हूँ कि कहीं बिस्तर पे खटवल तो नहीं है। रिटायर्ड हर्ट वाले पवेलियन बैटिंग नहीं करते, बैठ जा आराम से। और ये देख तुझसे कौन मिलने के लिए आया है। हाय। कुछ को? कुछ की? हाय। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बताना भूल गई, वो मैंने नया बेड पैन लगा दिया है, तो अब आप। हाँ, थैंक यू सिस्टर, लेकिन अब तो आप मेरी मदद कर सकती है ना। अच्छा। पुछको, सुमित ने जैसे मुझे बताया ना, मैं दौड़ी चली आई। एक घंटे बाद मैं यूरिन सैंपल लेने आऊंगी। जी सिस्टर, सुमित ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ। क्यों बे, तुझसे रहा नहीं गया ना? पुछको, तुम्हारी न्यूज से सारे अखबारों में आ चुकी है। तुम कितने ब्रेव हो। Really? हाँ, ऐसे छोटे मोटे केसेस। कितना बड़ा सांड था पुछको, मैं तो डरी गई थी। अगर वो सांड पीछे से नहीं आगे से आता तो। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है पुछकी। हाँ, और डॉक्टर ने भी ये कहा था कि पिछवाड़े पर लगे घाव ना जल्दी ठीक हो जाते हैं, और इसका जो पिछवाड़ा। हाँ पुछकी, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई, पर वो मेरे अब आराम करने का वक्त हो गया है ना, तो। हाँ। पुछकु, मैं तुम्हारे लिए फूल लाई थी। और मैं तेरे लिए कार्ड और ये गुब्बारे। हाँ। जल्दी से ठीक हो जाना मेरे हीरो। बाय पुछकु। बाय पुछकी। बाय सुमित। बाय। बाय। अच्छा तो सुना है कि तू कल यहाँ से छूट रहा है? हाँ, कल डिस्चार्ज होने के बाद मम्मी जी पापा जी के घर पे रहना पड़ेगा कुछ हफ्ते। क्या, पर क्यों? ऐसे अकेला कैसे रहूंगा। अरे ये तो सांड के वार से भी दर्दनाक है। हाँ पता है। अच्छा दर्दनाक बातें चली हैं, तो मुझे भी कुछ कहना है। क्या? कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब मेरी गलती है। क्यों, तू सांड का मालिक है क्या? नहीं, उस दिन मैं कोई चेस मैच कवर करने ही नहीं गया था। मैं एक्चुअली चीयर लीडर्स की पार्टी में जा रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि तू मेरे साथ आए, तो इसीलिए मैंने जो है। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा? क्यों? क्योंकि तुझे सच जानने का पूरा हक है। तेरे सच बताने से मेरा क्या फायदा होगा? मतलब ये मोनू, मुझे लगता है ये सब तू मुझे नहीं अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहा। क्या? हाँ, तेरा एक गुब्बारा लेके आना, ये कार्ड लेके आना, सिमरन को यहाँ बुलाना, मुझसे माफी मांगना, ये सब तो मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा है, अपने लिए। वैसे क्या देख रहा है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हो। वो सब नहीं पता मुझे, पर तुझे खूब जानता हूं मैं मोनू, इसलिए अब तू जा यहां से। यार तू तो बिल्कुल नाराज हो गया। गुड नाइट। अच्छा सुन तो। नहीं सुनना, सुन लिया मैंने, बाय। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं, पर चादर ऐसे ओढ़ के मत सोइयो, तुझे मुर्दा समझ के ना पोस्टमार्टम कर देंगे। बताओ, मैंने उसे अपनी दिल की बात कही और उसने मुझे कमरे से बाहर कर दिया। तुमने माफी मांगी कैसे? गुब्बारे देकर। क्या? अरे पर उन गुब्बारों पर लिखा हुआ था भैया नंबर वन। अपनी जुबान से सॉरी नहीं कह सकते थे? यार ये कोई कहने वाली बात थोड़ी ना होती है, उसे पता होना चाहिए, और वो कोई नया नहीं है, वो भाई है मेरा शुरुआत से। एक तो तुमने भैया से झूठ कहा, और सच कहा भी तो माफी मांगने के बजाय उनके हाथ में गुब्बारा थमा दिया। सिर्फ गुब्बारे नहीं, कार्ड भी। तुम कैसे भाई हो सुमित? तू कैसा भाई है सुमित?
कैसे हो भैया? बिजी? क्या चाहिए? नहीं नहीं, बस तुझसे मिलने आया था, गुब्बारों के बिना। और मजा आ रहा है ना मेरे कमरे में? हैं? हाँ, पापा जी ने मेरे कमरे को अपना डेंजो बना लिया। अपने कमरे में कितनी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी है ना बचपन की, वॉकी टॉकी, ये चलता है क्या? टैंगो कॉलिंग मम्मी जी, टैंगो कॉलिंग मम्मी जी, लस्सी कब मिलेगी? ओवर। अभी लाई लस्सी, ओवर। तो कैसा है तेरा सांड घाव? ठीक है। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? हाँ। सब ठीक हो जाएगा। खुशखबरी ये है कि ऐसे घाव से आज तक कोई भी मरा नहीं है। ये लो, लस्सी आ गई। अरे लो लो बेटा। अच्छा सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए कुछ लाऊं? आइसक्रीम। बिल्कुल नहीं बदले तुम दोनों, कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को एक साथ यहाँ देख के। अभी आई। सोनू, मैं दिल से तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुझे जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है। आई एम वेरी सॉरी, तू मेरा भाई है, मैं कहता नहीं हूँ, पर मुझे तेरी फिक्र है। अच्छा, ये सब कहने के लिए माया ने भेजा ना तुझे यार? नहीं भैया, माया मुझे क्यों भेजेगी, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तू जो कहेगा ना वो मैं तेरे लिए करूंगा। तू रहने दे। अच्छा सुन, 3 तो बजी गए, तो तू मेरी बैंडेज चेंज कर दे। तेरी बैंडेज मतलब? उसके लिए तो मुझे यार इसके अलावा कोई काम? मुझे पता था तुझसे नहीं होगा। मम्मी जी! नहीं नहीं, रहने दे, अपनी आवाज संभाल, मैं ना बाहर देख के आता हूँ, मम्मी जी शायद अभी बाजार। तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा, समझा? यार तू 10 मिनट के लिए रुक नहीं सकता? अरे दुख रहा है मुझे। अच्छा मैं तेरी मदद कर देता हूँ। रहने दे, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। पलट 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 पलट, पलट, पलट। अब क्या करूं? अब बैंडेज को आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी, हाय हाय हाय, आप यार ठीक है यार? क्या हुआ? उस सांड ने तो सुरंग खोद दी है। इस घाव को ठीक होने के लिए कुछ महीने नहीं कुछ साल लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सॉरी। अच्छा मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, तू बता अब मैं क्या करूँ? वहां से बैंडेज उठा और यह घाव पे लगा। थोड़ा सा यहाँ से लगा रहा हूँ। एक सेकंड ना, थोड़ा सा दर्द हो गया यहाँ पे। ठीक है मोनू, तू एक अच्छा भाई नहीं अच्छी सिस्टर भी है। बच्चों में डायपर चेंज करने की आदत है। थैंक यू मोनू, थैंक यू। यार वो कैंची मैंने कहाँ रख दी, कहीं अंदर तो नहीं छोड़ दी? Ha 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 ha
अरे तूने तो आधी आइसक्रीम खत्म भी कर ली। ठंडक से ना राहत मिलती है। चैन से सोना है तो आंखें खोल दीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं उस जाबाज ऑफिसर का वीडियो जिसने बड़ी बहादुरी से ललकारा, आज सांड मुझे मार। पेश है सांड का कांड। तू ये सोनो, तुझे टीवी पे देखा। हाय कितना प्राउड फील कर रही मैं, मेरे दोनों बेटे टीवी पे फेमस हो गए।